माननीय सभापति जी, आपने लोकायुक्त पे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अधीन अपने कृत्यों का 35वां वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में मैं अपने दृष्टिकोण और सुझावों को सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। कुल 5,999 परिवादों में से 1,958 परिवादों का निस्तारण किया जाकर दिनांक 31/12/2023 को 5,999 से 4.041 परिवाद लंबित है, जो चिंता का विषय है। निस्तारण की गति धीमी होने के कई कारण हो सकते हैं, उन कारणों का पता लगाकर समाधान करने की आवश्यकता है ताकि प्रशासन में पारदर्शिता को तीव्रता मिल सके। लोक सेवक अगर पूर्ण कर्तव्य निष्ठा और निस्वार्थ भाव से अपने कार्य को पूर्ण करें तो सामान्य जनमानस में सरकार एवं प्रशासन के प्रति विश्वास में वृद्धि होगी और एक अच्छे शासन का मापदंड जनता का उसके प्रति विश्वास का बढ़ना है। इस संबंध में मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। एक तो सही शिकायत करने वाले को पूर्ण संरक्षण मिलना चाहिए। दूसरा, अगर लोकायुक्त कार्यालय में कर्मचारी की कमी है तो उसे भी पूरा किया जाना चाहिए। लोकायुक्त को स्वयं की जांच एजेंसी का निर्माण करने का अधिकार मिले, दंड प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाए। सामान्य नागरिक के रूप में मैंने कई बार अनुभव किया है कि निचले स्तर पर भी सामान्य जनता को अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने की समय सीमा निश्चित की जाए। प्रत्येक कार्य योजना को पूर्ण करने की प्रक्रिया का विस्तार से बाहर प्रदर्शन किया जाए ताकि सामान्य नागरिक उसको पूर्ण करके कार्यालय में अपनी अभिलेख जमा कर सके और उसको बार बार चक्कर नहीं काटना पड़े। मुझे लगता है कि केवल दंड प्रक्रिया ही भ्रष्टाचार की समस्याओं का समाधान नहीं है। इसके लिए अगर कोई अधिकारी लोक सेवक भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो चेतावनी के रूप में उसके साथ काउंसलिंग प्रक्रिया को भी अपनाया जा सकता है ताकि लोक सेवक को अपनी बिना पढ़े बोले प्रवृत्ति में सुधार करने का अवसर प्राप्त हो। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति भी अपनाई जा सकती है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक विभाग में किए जाने वाले कार्य के उन बिंदुओं को चिन्हित किया जाए जहां लोक सेवक भ्रष्टाचार को अपनाता है। उन बिंदुओं को जहां भ्रष्टाचार की संभावना है, जिस तरह से रोका जा सकता है। राज्य सरकार इस पर ऐसी कमेटी का गठन किया जा सकता है जो प्रत्येक विभाग में भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्रों को चिन्हित करके उनको रोकने के लिए विस्तृत उपाय बता सके और उसकी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार एक विशेष अभियान चलाकर भ्रष्टाचार को रोकने की व्यवस्था कर सकती है। अगर राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो हमें एक आदर्श व्यवस्था स्थापित करनी होगी। श्रीमद् भगवत गीता में भी इसका समाधान सूत्र प्राप्त होता है। यदा चरति श्रेष्ठ स्थित देवत्रो जने स यत प्रमाण कुरेति लोक स्तंद वर्त दे। इसका अर्थ है कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण छोड़ देता है, लोग उसी के अनुसार आचरण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। बड़े स्तर के लोक सेवक जब तक आदर्श प्रस्तुत करेंगे तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से नीचे के स्तर पर भी पहुंचेगा। कभी कभी कुछ लोक सेवकों
को भ्रष्टाचार के विरोध स्वयं लड़ना पड़ता है और कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस तरह के लोक सेवकों का चिन्हीकरण कर सरकार उनके साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहे, ऐसी व्यवस्था हो तो ऐसे अधिकारियों और लोक सेवकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। हर विभाग में ऐसे आदर्श लोक सेवकों का प्रभाव जब बढ़ेगा, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में न्यूनी और राजस्थान भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। सरकार के सभी अंग अगर इस आदर्श का अनुसरण करते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान में एक पारदर्शी व लोक कल्याणकारी सरकार हम आदर्श प्रस्तुत कर सकेंगे। धन्यवाद सभापति जी, आपने बोलने का मौका दिया। श्री मुकेश भाकर। मैं 3 दिन से कोशिश कर रही हूँ लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा। हमारे